दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, अगर भारतीय टीम को जीता हुआ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 1 अगस्त से बर्मिंघम के एजबेस्टन ग्राउंड पर खेला जाएगा। क्रिकेट वेबसाइट ESPN क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक 30 जुलाई को ग्राउंड समैन ने 36 मिनट के अंदर ग्राउंड पर 47,000 लीटर पानी डाला है। इंग्लैंड में इस बार हुई है कम बारिश। इंग्लैंड में इस बार बारिश कम हुई है। बर्मिंघम सहित देश के कई शहरों में हीट वेव यानी लू चलने की खबर भी आ रही है। ऐसे में ग्राउंड को पहले की तरह हरा भरा बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है। अगर ग्राउंड ड्राई रहा तो इससे टीम इंडिया को फायदा मिल सकता है। ऐसी स्थिति में रिवर्स स्विंग के साथ साथ स्पिन को भी मदद मिलेगी जो भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। ग्राउंड को पहले जैसा बनाए रखने की कोशिश। इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट नहीं चाहता है कि ग्राउंड का आउटफील्ड सूखा हो, इसलिए ग्राउंड में नमी और आउटफील्ड के घास की हरियाली बरकरार रखने के लिए इतने पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्राउंड देखकर नहीं लग रहा है कि शहर में उम्मीद से कम बारिश हुई है। इस ग्राउंड में इंग्लैंड का दबदबा। बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर अब तक इंग्लैंड की टीम का दबदबा रहा है। यहां भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक 6 टेस्ट मैच हुए हैं। इसमें से इंग्लैंड की टीम को 5 मैचों में जीत मिली है, 1 टेस्ट ड्रॉ रहा है। यानी भारतीय टीम अब तक यहां एक भी टेस्ट मैच में इंग्लैंड को नहीं हरा सकी है। दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या टीम इंडिया इस बार बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर अपनी पहली जीत हासिल कर पाएगी? इसका जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।